हमें संपूर्ण पराधीनताओं से मुक्त होना है। शरीर की पराधीनता है रोग, इंद्रियों और मन की पराधीनता है विषय भोग। हमें शरीर की पराधीनताओं से मुक्त होना है, मन की पराधीनता इंद्रियों की पराधीनता से हमें मुक्त होना है, भाषा की पराधीनता, वेशभूषा की पराधीनता, भेषज की पराधीनता, अर्थव्यवस्था की पराधीनता, न्याय व्यवस्था की भी पराधीनता, फिर कैसी स्वाधीनता, कैसी स्वतंत्रता। भारत स्वाभिमान का यह व्यवस्था परिवर्तन का अभियान, हम स्वयं से इस व्यवस्था परिवर्तन को शुरू करेंगे। आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन तक की हमारी संघर्षपूर्ण यात्रा है। व्यवस्थागत पराधीनताएं, विचारगत पराधीनताएं, इन समस्त बंधनों से हमें मुक्त होना है और पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता हमको पानी है। स्वाधीनता ही सुख, समृद्धि, शांति और वैभव का आधार होती है। आज हम जहां जी रहे हैं उसका मंथन करें, चिंतन करें, क्या हम सच अर्थों में स्वाधीन हैं? कहां कहां छाई है हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे राष्ट्र में पराधीनता, गुलामी? इसी विषय में संवाद करने के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं कि किस तरह से हम गुलामी की निशानियों को मिटाएं और संपूर्ण स्वाधीनता पाएं। अगर हम भौतिक रूप से देखेंगे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जैसे किसी का शरीर होता है जो भौतिक इकाई है, ऐसे शरीर की एक और इकाई होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं। बिना आत्मा और बिना मन के शरीर का अस्तित्व तो नहीं है। वैसे ही राष्ट्र का होता है, राष्ट्र का एक भौतिक शरीर होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, राष्ट्र की अपनी एक आत्मा भी होती है, राष्ट्र का अपना एक मन भी होता है। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत भौतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारतवासियों के हाथ में हो गया, लेकिन मन और आत्मा से अभी भी भारत देश गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, विदेशियत का। यह मन और आत्मा की गुलामी क्या है? वो गुलामी ये है कि कहने को हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व मनाने का अवसर प्राप्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता भी आई नहीं है और गणतंत्र हमारा भी बना नहीं है। अगर स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समझने की आप कोशिश करेंगे तो इसको संधि विच्छेद करें, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, हमारा, तंत्र माने व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में सब सिस्टम कहते हैं। तो हमारा तंत्र या हमारी व्यवस्था स्थापित हो तो हम कहें कि भारत स्वतंत्र है। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी हमारे भारत देश की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी स्थापित की हुई हो। एक भी तंत्र हमारे देश में ऐसा नहीं बन पाया जो हम भारतवासियों के प्रयासों से और हमारे अभिक्रम से बना हो। हमारे यहां सभी व्यवस्थाएं, हमारे सभी तंत्र अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। सारी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि दुनिया में कभी भी कोई देश गुलाम हुआ और फिर आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद कोई भी देश अपनी भाषा को ठीक करता है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और भाषा किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी भाषा की व्यवस्था ये अपनी होनी चाहिए, तभी हम भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो देश भी सबसे ऊपर गए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है। हम किसी भी देश का नाम लेके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अमेरिका नाम का देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था पूरी दुनिया में,
200 वर्ष पहले के इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो अमेरिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पिछले 200 वर्षों में अमेरिका बहुत ऊंचाई पर गया। 1776 के बाद से लेकर अभी 2009 आ गया, अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया पिछले 225 वर्षों में। तो अमेरिका ने क्या किया है, अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया गुलामी से आजाद होने के बाद। चीन नाम का एक देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा पूरी दुनिया में। तो चीन ने क्या किया, 1949 में चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, माओ वहां का सबसे बड़ा नेता था, माओ ने जब अपने चीन को बदला तो उसने भी सबसे पहले अपनी भाषा को और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। ऐसे ही जापान का उदाहरण है, ऐसे ही अगर हम और दूसरे देशों का उदाहरण है, जापान भी गुलाम हुआ है और जापान तो तीन तीन देशों का गुलाम हुआ है। अमेरिका ने जापान को गुलाम बनाया, डच लोगों ने जापान को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने जापान को गुलाम बनाया। तो जापान ने आजादी के बाद भी वही किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी भाषा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया। दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश का उदाहरण आप देखें और इतिहास पढ़ें तो आपको एक बात सभी देशों में समझ में आएगी, वो ये कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है, आजाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है। भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहां उल्टा चित्र नजर आता है, बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला, अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला, अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, आपस में बातचीत होती है, अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती हैं, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है, मैकॉले। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले का शिक्षा तंत्र, मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम। ये मैकॉले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया, वो अधिकारी मर गया। उस अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज यहां से चले गए और उनकी कई पीढ़ियां चली गईं, लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकॉले ने तय कर दिया वो पाठ्यक्रम भारत की आजादी के बाद चल रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैकॉले ये कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाएं और अंग्रेजों जैसे हो जाएं। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकॉले छोड़कर गया, वो अभी भी इस देश में चल रही है। दुख है, दुर्भाग्य है, मैकॉले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था, कलकत्ता में वो पहले खुला था, अब जिसको हम कोलकाता कहने लगे हैं, वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए। अब भारत में गांव गांव, गली गली, नगर नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैकॉले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था अंग्रेजियत की व्यवस्था का, लेकिन हमारे तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए हैं। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है। 33% या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है और 33% से कम अंक मिले तो फेल है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है। और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना, फिर एक दो दिन में उनको वो सब लिखवा लेना और रट के वो लिख देंगे कॉपी में, 100 में से 98, 99, 95, 96 जो भी नंबर आ जाए उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है।
अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है। अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता, और अंग्रेज ही क्यों, फ्रांसीसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता, अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है। इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है। हमारे देश में मैकॉले के द्वारा जो विषय तय किए गए उनमें से एक इतिहास विषय, जिसमें मैकॉले ने यह कहा कि भारतवासियों को सच्चा इतिहास उनका नहीं बताना है क्योंकि इनको गुलाम बना के रखना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके भारत में पढ़ाया जाना चाहिए, तो भारत के इतिहास को पूरी तरह से उन्होंने विकृत कर दिया। सबसे बड़ी विकृति जो हमारे इतिहास में अंग्रेजों ने डाली, जो आज तक जहर बनकर हमारे खून में घूम रही है, वो विकृति ये है कि हम भारतवासी आर्य कहीं बाहर से आए। सारी दुनिया में शोध हो चुका है कि आर्य नाम की कोई जाति भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं थी, तो बाहर से कहां से आ गए हम। फिर हमको कहा गया कि हम सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में जो जातियां इस समय निवास करती हैं, उन सभी जातियों के डीएनए लिए गए। डीएनए आप समझते हैं, जिसका टेस्ट करके कोई भी बात की पक्की सूचना ली जाती है। तो दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में, तीनों स्थानों पर रहने वाली जातियों के नागरिकों के रक्त इकट्ठे करके उनका डीएनए टेस्ट किया गया और भारतवासियों का डीएनए टेस्ट किया गया, तो पता चला कि भारतवासियों का डीएनए दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया के किसी भी जाति समूह से नहीं मिलता है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि भारतवासी मध्य एशिया से आए, आर्य मध्य एशिया से आए? इसका उल्टा तो मिलता है कि भारतवासी मध्य एशिया में गए, भारत से निकलकर दक्षिण एशिया में गए, पूर्व एशिया में गए, मध्य एशिया में गए और दुनिया भर में सभी स्थानों पर गए और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म का उन्होंने पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किया। तो भारतवासी दूसरी जगहों पर जाकर तो प्रचार प्रसार करते हैं, उसके प्रमाण हैं, लेकिन भारत में कोई बाहर से आर्य नाम की जाति आई, इसके प्रमाण अभी तक मिले नहीं और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ अंग्रेज हमारे इतिहास में लिख गए, और भला हो हमारे इतिहासकारों का, उस झूठ को अंग्रेजों के जाने के बाद भी पढ़ा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना, हमारी सभ्यता को नीचा बताना, हमारे इतिहास को विकृत कर देना, शिक्षा व्यवस्था को हमारा पूरा तहस नहस कर देना, हमारी भाषा को तहस नहस कर देना, इन सबके पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अगर था तो एक, कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है ताकि इस देश को लूटा जा सके। हम अगर किसी के गुलाम होते हैं तभी हम लूट सकते हैं, अगर हम स्वतंत्र और आजाद हैं हमें कोई नहीं लूट सकता। आप अपने घर के बारे में ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर स्वतंत्र है, आजाद है, स्वाधीन है, तो आपके घर पर कोई हमला नहीं कर सकता, आपके घर को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन अगर आपका घर किसी का पराधीन हो जाए, किसी का गुलाम हो जाए, तो जो आपको गुलाम बनाएगा, जो पराधीन बनाएगा, वो कभी भी आपके घर को लूट लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने यही किया, भारत को पराधीन बनाना, गुलाम बनाना, ताकि भारत को लूटा जा सके और लूटने के लिए भारत के मन को तैयार किया जा सके, और मानसिक रूप से भारतीय लोगों की तैयारी हो तो शारीरिक तैयारी तो हो ही जाती है। तो हुआ यह है इस देश में कि आजादी भौतिक रूप से हमको मिल गई, अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बच्चे इसी देश में छोड़ गए। मैकॉले मर गया, लेकिन मैकॉले के मानस पुत्र इस देश में अभी भी जिंदा हैं, जिनको हम काला अंग्रेज कह सकते हैं। उन्होंने जब से आजादी के बाद इस देश की व्यवस्था को संभाला, सरकार को अपने हाथों में लिया, अंग्रेजों का बनाया हुआ और अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ कुछ भी इस देश में उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। हमारे देश में भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, भजन अंग्रेजी है, भेषज अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है, हर स्तर पर अंग्रेजियत 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 छाई हुई है।
एक दो उदाहरण से मैं मेरी बात और से स्पष्ट करता हूं। अंग्रेज गए तो जाने के समय उन्होंने 34,735 कानून इस देश में छोड़े जो उन्होंने कभी भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों का एक तरीका था कि भारत को गुलाम बनाना है तो एक तरीका तो यह है कि सीधे मारो पीटो और लूटो और उनको गुलाम बना के रखो ताकत से। एक तरीका यह है कि मारना पीटना और लूटना हर समय संभव नहीं होता तो कानून बनाकर गुलाम बना के रखो। तो अंग्रेजों ने शुरू के 100 साल तक तो यही किया कि मारा पीटा भारतवासियों को और सीधे उनकी लूटपाट की और डरा के धमका के गुलाम बना के रखा। लेकिन 100 साल से ज्यादा इस काम को वो चला नहीं पाए तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि कानून बना के भारतवासियों को लूटो पीटो मारो और इनको कब्जे में करके रखो। तो कानून बनाए उन्होंने और जो जो कानून बनाए वो सबके सब कानून आजादी के बाद भी चल रहे हैं। मैं उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भारत के क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्रांतिकारियों को दबा कर रखने के लिए, और उस कानून का नाम रखा उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम। अब कानून में लिखा है इंडियन लेकिन उसमें भारतीय कुछ नहीं है, वो सब इंग्लिश है, अंग्रेजियत वाला कानून है। अंग्रेजों ने दुनिया के जिन जिन देशों को गुलाम बनाया वहां वहां के नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई और उस पुलिस के कानून बनाए, वही उन्होंने भारत में किया। सन 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक कानून बना दिया। 1860 के पहले इस देश में अंग्रेजों की पुलिस नहीं थी, अंग्रेजों की सेना थी, उनकी मिलिट्री थी। 1860 के बाद उन्होंने सेना के साथ पुलिस की भी स्थापना कर ली और इसके लिए पुलिस एक्ट बना और इसमें अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो भारतवासियों पर कितना भी अत्याचार कर सकेगा, लाठियों से मारेगा, लाठियों से पीटेगा, और अगर कोई भारतवासी उसमें मर भी जाए तो अंग्रेज अधिकारी को कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई दंड नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था की थी। और इसी कानून की ताकत से भारत के क्रांतिकारियों पर भयंकर अत्याचार किए गए। एक उदाहरण तो मैं जरूर दूंगा आपको। हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, उत्तर भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में उनकी गिनती हुआ करती थी। अंग्रेजों ने एक कानून बनाने के लिए कमीशन नियुक्त किया था, उसका नाम था साइमन कमीशन। वो भारत आया था और भेजा गया था उसको कि कुछ और कठोर कानून भारत में बनाकर लागू किए जाएं। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला जी ने एक जुलूस निकाला था, निहत्ते लोगों का जुलूस था, शांतिप्रिय जुलूस था। उस जुलूस पर अंग्रेजों की पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गईं और अंग्रेजों की पुलिस ने जुलूस पर जब लाठियां बरसाई तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने जानबूझकर लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां मारी, तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी के सिर पर लाठियां मारकर जिस अंग्रेज ने उनकी हत्या की उसका नाम था सैंडर्स। उस अंग्रेज अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए भारत के एक दूसरे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने पुलिस में दरखास्त की, अपील की। उनकी दरखास्त पर पुलिस ने एक्शन लिया, बाद में अदालत में ये मामला गया और अदालत ने यह कहकर सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया कि लाला जी के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है वो कानून के हिसाब से हुआ है, उसमें सैंडर्स की कोई गलती नहीं है। तो सैंडर्स बाइज्जत बरी हो गया। तो भगत सिंह को गुस्सा आया और भगत सिंह ने यह संकल्प लिया कि लाला जी की हत्यारे सैंडर्स को अंग्रेजों की प्रशासन ने, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने दंड नहीं दिया है, मैं संकल्प करता हूं कि सैंडर्स को मैं दंड दूंगा और इसको वहां पहुंचाऊंगा जहां इसने लाला जी को पहुंचाया। और आप जानते हैं अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा था और अंत में सैंडर्स को गोली से मारकर भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई उसके काफी दिन पहले वो लाहौर की जेल में बंद हुए थे और उनसे बहुत लोग मिलने जाते थे। अमृतसर के एक पत्रकार महोदय उनसे कभी मिलने गए, भगत सिंह को पूछा कि आपके दिल की इच्छा क्या है।
भगत सिंह ने कहा कि मैं तो फांसी चढ़ रहा हूं, देश के लिए शहीद हो रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं भारत के नौजवानों से एक ही अपील करना चाहता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी कानून के चलते लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी, उस इंडियन पुलिस एक्ट कानून को भारत के नागरिक और नौजवान आजादी की लड़ाई के समाप्त होने से पहले खत्म करा देंगे। ये मेरे दिल की इच्छा है, ये मेरी भावना है। जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, जिस इंडियन पुलिस एक्ट के कारण हमारे देश के अमर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की हत्या की गई, दुर्भाग्य हम सबका यह है कि वो इंडियन पुलिस एक्ट का कानून अभी आजादी मिलने के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे का वैसा ही चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती थी, उसी तरह से आज की पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती है। हमारे देश में आजादी के 63 साल के बाद भी हमारी पुलिस वैसे ही अत्याचार करे मां बहन बेटियों पर जैसे कभी अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी, तो हम कैसे कहें कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, कैसे कहें कि हम स्वाधीन हो गए। मुझे तो बहुत दिल में इस बात के लिए क्रोध आता है कि शहीद आजम भगत सिंह को हम कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लाला लाजपत राय को हम कौन से श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको हम ये कहें कि लाला लाजपत राय जी आपकी हत्या जिस अंग्रेजी कानून के चलते हुई थी, आजादी के 63 साल के बाद भी उस कानून को हम बदल नहीं पाए। शहीद आजम भगत सिंह को हम ये कहें कि जिस कानून के चलते आपने फांसी का फंदा चूमा था, अपनी पूरी भरी जवानी को देश पर लुटा दिया था, उस अंग्रेजी कानून के खिलाफ अभी तक हम कोई सफल लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस अंग्रेजी कानून को हम खत्म नहीं करा पाए, समाप्त नहीं करा पाए। ये बहुत क्षोभजनक है, बहुत ज्यादा दुख देने वाला है, क्रोध पैदा करने वाला। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बीसियों उदाहरण है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था डलहौजी। उसने किसानों से जमीन छीनने के लिए एक कानून बनवाया, उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस कानून में यह व्यवस्था की गई कि किसानों की सारी जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए और अंग्रेज सरकार को दे दी जाए। डलहौजी ने एक एक दिन में 21,000 किसानों से जमीनें छीनी। लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, भारत में उसको लागू करा दिया गया। उस कानून में व्यवस्था क्या थी कि जिस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार एक नोटिस लगा देगी, उसी दिन से वो जमीन अंग्रेजों की हो जाएगी। तो इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया और 10 करोड़ किसानों को डलहौजी और अंग्रेजों की सरकार ने भूमिहीन बना दिया, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन उनसे छीन ली। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, 50,00,000 एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों से छीनी गई इस कानून के हिसाब से, भूमिहीन बना दिया किसानों को। और किसानों ने इस जमीन के छीनने वाले कानून के खिलाफ इतना संघर्ष किया है इस देश में, शायद ही किसी दूसरी कौम ने कोई किया होगा। सबसे बड़े संघर्षों में एक संघर्ष रहा, किसानों के जमीन को बचाने का संघर्ष, जो डलहौजी के जमाने से 1848 से चल रहा है और आज तक इस देश में चलता ही आ रहा है। मुझे दुख है ये कहते हुए, डलहौजी ने जिस कानून के आधार पर किसानों से जमीनें छीनी थी, वो लैंड एक्विजिशन का कानून डलहौजी के मरने के बाद, अंग्रेजी सरकार के चले जाने के 63 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही चल रहा है और आज भी किसानों की जमीनें उस कानून के आधार पर छीनी जा रही है और किसानों को भूमिहीन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं, कभी भी सरकार का नोटिस आता है और गांव का गांव खाली करा दिया जाता है और गांव वालों को कहा जाता है तुम कहीं और चले जाओ, तुम कहीं और बस जाओ, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि इस जमीन पर शराब का कारखाना लगाना है, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि विदेशी कंपनियों को यहां कोई कारखाना लगाना है, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि भारत के बाहर के आए हुए कोई पूंजी निवेशक लोगों को ये जमीन की जरूरत है। किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं। अगर हमारे देश में डलहौजी किसानों से जमीनें छीनता था और आजादी के 63 साल के बाद भी किसानों से जमीनें छिन रही हैं, तो हम कैसे कहें कि देश आजाद हो गया, देश स्वतंत्र हो गया या देश स्वाधीन हो गया। और ऐसे बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों कानून है। अंग्रेजों का एक कानून है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, जो उन्होंने लगाया इस देश के नागरिकों पर कि ज्यादा से ज्यादा पैसा छीनो,
जब 1857 में क्रांति हुई थी ना, उस समय अंग्रेजों की संसद में एक बार बहस हुई कि भारत में यह क्रांति सफल कैसे हुई। तो उसमें एक कारण बताया गया कि भारतवासियों ने क्रांतिकारियों को पैसे का दान बहुत दिया, उसके कारण यह क्रांति सफल हुई। तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि भारत के क्रांतिकारियों को कितना दान मिला। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार भारतीय क्रांतिवीरों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था उस समय। आप पूछेंगे ये 480 करोड़ रुपए होता कितना है? इस 480 करोड़ रुपए में 300 का और गुणा कर लो तो आज के रुपए के बराबर ये होता है। 480 करोड़ में 300 का और गुणा कर लो तो 2009 के रुपए के बराबर ये होता है, क्योंकि 1857 के रुपए की कीमत 2009 के 300 रुपए के बराबर है लगभग। तो इतना बड़ा धन क्रांतिकारियों को दान में मिला, तो अंग्रेजों की संसद की आंखें फटी रह गईं कि भारतवासियों के पास इसका माने दान करने के लिए पैसा है, तो भारतवासी आगे भी क्रांतिकारियों को दान करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने फैसला लिया कि जितना भी पैसा भारतवासियों के पास है ये सब छीन लो उनके हाथ से, ताकि दोबारा ये क्रांतिवीरों को दान न कर सके और दूसरी कोई क्रांति भारत में ना हो सके। उसके लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया, उसका नाम रख दिया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, माने भारतवासियों की जो आमदनी है उस आमदनी के ऊपर टैक्स, सारा पैसा भारतवासियों से लूट लेना ताकि भारतवासियों के हाथ में कुछ ना बचे तो वो क्रांतिकारियों को दान ना दे सकें, इसके लिए इनकम टैक्स का कानून आया इस देश में। अब मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने जो लूटने का कानून बनाया था वो कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है, इंडियन इनकम टैक्स के नाम से ही चल रहा है और आज भी भारतवासियों से धन लूटा जा रहा है। अंग्रेजों ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया, कोई भी भारतवासी किसी वस्तु का उत्पादन करे तो उस पर 350% एक्साइज ड्यूटी। अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने रोड टैक्स लगाया, टोल टैक्स लगाया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगाया और ऐसे 23 तरह के टैक्स कानून लगाकर इस देश के नागरिकों को जमकर लूटा लगभग 190 वर्षों तक। अब अंग्रेजों ने ये सब कानून बनाए थे भारत को लूटने के लिए, तो आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि ये सारे कानून खत्म किए जाएं, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, सेंट्रल एक्साइज खत्म किया जाए, रोड टैक्स टोल टैक्स खत्म किया जाए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म किया जाए। तो होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेजों के लगाए गए 23 तरह के टैक्स खत्म किए जाएं, लेकिन हमारे काले अंग्रेजों ने इसका उल्टा किया। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद काले अंग्रेजों ने अब इस देश पर 64 तरह के टैक्स लगा रखे हैं। आस्था जीवन का आधार। भ्रष्टतंत्र, लूट तंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारी 1,00,000 स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3,000 से 5,000 की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी विक्रय केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो युवक स्वदेशी प्रचारक के रूप में सेवा करना चाहते हैं, वो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन 01334-240-008-248-999-246-737-244-107-24-8888, फैक्स 01334-244-805 और 240-664, वेब www.patanjaliayur.org, ईमेल marketing@patanjaliayurveda.org और career@patanjaliayurved.org। दुख और अफसोस इसी का है कि व्यवस्था वही चल रही है, कानून वही चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ तो करना पड़ेगा और वो यही कर सकते हैं हम सब मिलकर कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इनको जड़मूल से उखाड़ना पड़ेगा, तभी भारत सच्ची स्वतंत्रता हासिल करेगा और स्वाधीनता इस देश को मिल पाएगी।
मैं माताओं बहनों से भाइयों से सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, और वो यही है कि अंग्रेजों के बनाए गए ये जो काले कानून हैं, अंग्रेजों की बनाई गई ये जो काली व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों के बनाए गए ये जो अत्याचारी सारी की सारी तंत्र चल रही है हमारे देश में, इसको बदलने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा, जीवन को लगा देने की तैयारी से जुटना पड़ेगा, अपने को होम कर देने की तैयारी के संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये बड़ी गहरी और बड़ी दूर तक मार करने वाली लड़ाई है। हमारे देश की आजादी के बाद की नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, नई व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दूर तक सहयोग नहीं करेंगे, विदेशी सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं और हमारे लिए मन में ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप अपने रास्ते को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी आपको सहयोग कर सकते हैं भावना से, मन से, लेकिन बहुत आगे तो नहीं आएंगे, करना तो आपको ही पड़ेगा, आप भारत में रहते हो तो या भारत के बाहर रहते हो तो, आपको दोनों स्तर पर इस देश की आजादी की नई लड़ाई के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के लिए, नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई के लिए सबसे पहला संकल्प यही करना है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को हटाना है, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलवाना है, कृषि व्यवस्था को बदलवाना है, चिकित्सा व्यवस्था को बदलवाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलवाना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलवाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलवाना है, सभी व्यवस्थाओं को आमूल चूल पूरा बदलवाना है, कानून ये रद्द कराने हैं। अब आप जानते हैं कि कानून को रद्द कराना और नया कानून बनाना ये संसद करती है या विधानसभाएं करती हैं, तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा कि जो हमारी इस बात से सहमत हो कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून रद्द होने चाहिए और उनके स्थान पर नए कानून बनने चाहिए। या तो संसद और विधानसभाओं में आज जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात से सहमत कराना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को बदलने में कुछ हमारा सहयोग करो, अगर ये करते हैं तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो इनके स्थान पर नए लोगों को लाना पड़ेगा, काम तो ये करवाना ही है, ये लोग करें या इनके स्थान पर आए हुए नए लोग करें, और ये काम होगा संसद और विधानसभाओं से। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजने के लिए हमें अभी से अपना मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा काम हमको एक और करना पड़ेगा, वो समाज के स्तर पर करना पड़ेगा कि ये जो गुलामी है व्यवस्था की, कानून की, ये तो सरकार के स्तर पर बदलेगी, कुछ गुलामी हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की भी है जिसे हम खुद बदलेंगे तभी वो ठीक होगी। आप बोलेंगे जी हमारे व्यक्तिगत जीवन की क्या गुलामी है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अंग्रेजों का बहुत सारा नकल करते हैं, उनके आचरण का, हमारी पोशाक अंग्रेजों वाली हो गई है, हमारा खानपान अंग्रेजों वाला हो गया, हमारा आचरण व्यवहार अंग्रेजों वाला हो गया है, हर तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजियत में डूबे हुए लोग भारत के दिखाई देते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों की पोशाक है कोट पैंट टाई और उसके बाद नेक टाई, क्योंकि अंग्रेजों का देश ठंडा देश है, ठंडे देश में शरीर को सर्दी ज्यादा लगती है, हर समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो गर्म सूट और टाई और कोट पहनना, थ्री पीस सूट पहनना, उसके बाद ऊपर से टाई लगाकर गले को बंद कर लेना ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा सके, ये अंग्रेजों की मजबूरी है। अपनी इस मजबूरी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने सूट का आविष्कार किया, कोट बनाया, पेंट बनाया, जैकेट बनाया, थ्री पीस सूट बनाया, टाई बनाई, फिर ओवर कोट बनाया, फिर हैट बनाया ताकि कान ढके रहें, ये सब कुछ उन्होंने अपने जलवायु और मौसम की अनुकूलता के अनुसार किया ताकि उनको ठंड से बचाव करना, क्योंकि अंग्रेजों के देश में सबसे ज्यादा लोग ठंड से ही मरे हैं। आपको मालूम है कि साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता, इंग्लैंड में और यूरोप में साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता, कभी कभी 8 महीने नहीं निकलता, बर्फ पड़ती है और खेतों में जमा हो जाती है, सड़क पर 5-5 फीट बर्फ, कभी कभी 10-10 फीट बर्फ जमा हो जाती है, पूरी सरकार का एक ही काम होता है उस समय बर्फ को सड़क से हटाना और फिर रास्ते को सुयोग्य बनाना। तो जिन देशों में बर्फ बहुत पड़ती हो, ठंडी हवाएं बहुत चलती हो, सूरज का धूप ना निकलता हो, धूप के दर्शन के लिए वो तरसते हो, वहां के लोगों को हमेशा
कपड़े ऐसे ही पहनने पड़ेंगे जो ठंडी हवाओं से उनको बचा सकें और शरीर में गर्मी ला सकें। इसलिए वो कोट पैंट सूट और टाई और ओवरकोट आदि आदि पहनते हैं। अब हम भारतवासी उनकी नकल करके पहनने लगे। हमारे देश में तो बर्फ कभी पड़ती नहीं है, बिहार में तो मैंने कभी नहीं सुना कि बर्फ पड़ती है। थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती है तो उत्तराखंड में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वो भी साल में 15 दिन पड़ती है, 6-7 महीने नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो हर दिन सूरज निकलता है और खूब तेज निकलता है, खूब धूप होती है और खूब अच्छी धूप होती है। और आधे से ज्यादा भारत में तो दो ही मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। आप तो बिहार के वासी हैं, आपको तो मालूम है 50 डिग्री तापमान हो जाता है बिहार के कई शहरों का। अब ऐसे जहां देश में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता हो, वहां के लोग कोट पहनना शुरू कर दें, टाई लगाना शुरू कर दें, जैकेट पहनना शुरू कर दें, ओवरकोट लादना शुरू कर दें और टाई के ऊपर नेक टाई लगा लें और सारे गले को खूब अच्छे से बंद कर लें, गर्मी अंदर ही अंदर लगे, पसीना अंदर ही अंदर हो और अंदर गर्मी और पसीने से इतने परेशान हो कि सब कुछ खोल देने का मन करता हो, फिर भी उसको ना खोलें तो उनको क्या कहेंगे? अंग्रेजों के अंग्रेजी तो कह सकते हैं। मुझे कई बार ये दृश्य देखने को मिलते हैं इस देश में, बहुत हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जून की भयंकर गर्मी में शादी हो रही है, दूल्हे राजा 3-पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं, भयंकर जून की गर्मी में, चिलचिलाती धूप में 3-पीस सूट और टाई लगा के दूल्हे राजा है, अंदर पसीना 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 हो रहा है और दूल्हे राजा कह रहे हवा कर भाई हवा कर। अरे भाई ये कोट उतार के फेंक दे। नहीं फेंकूंगा, क्योंकि आज ही पहनना है, क्योंकि आज ही मुझे सुपर इडियट दिखना है और सुपर इडियट बनना है। तो हमारे देश में ये जो भूषा की गुलामी है, ये हमें व्यक्तिगत स्तर पे बदलनी है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कि अंग्रेजों की पोशाक को जितनी जल्दी छोड़ सकें छोड़ दें। तो आप बोलेंगे जी भारतीय पोशाक क्या है? कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, धोती पहनो, साड़ी पहनो, ये सब भारतीय पोशाकें हैं। बहनें तो अभी भी काफी भारतीय हैं क्योंकि वो तो साड़ी पहनती हैं या सलवार सूट। भाइयों में बहुत गड़बड़ी आई है, अपनी पत्नियों को तो साड़ी पहनाएंगे और खुद 3-पीस सूट और टाई लगा के जाएंगे उनके साथ। पत्नी भारतीय है, पति विदेशी है। कहते हैं पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया ट्रैक्टर का दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गाड़ी? तो हाथ जोड़कर भाइयों से विनती करता हूं कि अगर आपकी धर्म पत्नियों को आप साड़ी पहना रहे हैं तो आप ईमानदारी से धोती कुर्ता पहनिए, नहीं तो लुंगी कुर्ता पहनिए, नहीं तो भारतीय पोशाक पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए। ये नहीं चलेगा कि हमारी धर्म पत्नी भारतीय है और हम विदेशी हो जाए। तो भूषा की गुलामी छोड़िए, भाषा की गुलामी छोड़िए, फिर भोजन की गुलामी भी छोड़िए। भोजन में हमारी बहुत गुलामी आ गई है। अंग्रेज डबल रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे, हमने भी खाना शुरू कर दिया। हमारे घरों में अब पाव रोटी आती है, डबल रोटी आती है, ब्रेड आती है। जिस घर में ताजा रोटी बनाने की हजारों लाखों साल की परंपरा हो, उस देश में 3-3 महीने पुरानी डबल रोटी और पाव रोटी आती है, वो भी सड़े मैदे की बनी हुई, जिसको बनता हुआ आप देख लेंगे तो कभी छूना पसंद नहीं करेंगे उसको। तो घर में से ये हटाइए, पाव रोटी डबल रोटी। ये अंग्रेजों की मजबूरी है कि उनको गेहूं के आटे से रोटी बनाना नहीं आया आज तक। उन्होंने दुनिया में बहुत आविष्कार किए होंगे, रोटी बनाना नहीं सीख पाए वो अभी तक, शायद सीख भी नहीं पाएंगे अगले 100 साल में। गेहूं उनके यहाँ होता है, गेहूं हमारे यहाँ भी होता है, उसी गेहूं से हम आटा बनाते हैं, उस गेहूं से वो भी आटा बनाते हैं, उस आटे से हम रोटी बना लेते हैं, उस आटे को सड़ा के वो पाव रोटी और डबल रोटी बना लेते हैं। हम उसी आटे से रोटी की कितनी तरह की रोटियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, बीसियों किस्म के पराठे, बीसियों किस्म की पूड़ी कचौड़ी। इतनी विविधता हमारे व्यंजन में जब है तो सड़ी हुई मैदे की डबल रोटी पाव रोटी खाना ये कोई शान की बात नहीं है, ये अंग्रेजी भोजन है
तामसिक भोजन है, इसको जल्दी से जल्दी छोड़िए और अपने घर से इसको विदा करिए, इस अंग्रेजियत में से बाहर आइए। भोजन की गुलामी, ये पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, चाउमीन है, ये सब हटाइए, क्योंकि ये विदेशी भोजन हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जिस देश में ये विकसित हुआ है उस देश के लिए थोड़ा अनुकूल हो सकता है, हमारे लिए तो बहुत प्रतिकूल है। तो भोजन की गुलामी ठीक करिए, भाषा की ठीक करिए, भेषज की ठीक करिए, भूषा की ठीक करिए, और अंत में अगर कर सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो ये भजन संगीत में भी काफी कुछ गुलामी आ गई है। हमारा संगीत शास्त्रीय संगीत है, राग रागनियों पर आधारित है, और शास्त्रीय संगीत का विकास लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है, वेदों में से निकला है हमारा संगीत। वेद जितने पुराने हैं, संगीत उतना ही पुराना है। इस देश में, हमारे देश में वेदों से निकले हुए संगीत में जो गहराई है, दुनिया के किसी देश के संगीत में उतनी गहराई नहीं है। तो दूसरे देशों के संगीत में हम जाकर फंस गए, रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, माइकल जैक्सन का म्यूजिक, बीथोवन का म्यूजिक, मोजार्ट का म्यूजिक, ये सारे के सारे म्यूजिक जो उनके समझ में शायद आते हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम, हमारे समझ में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता रहा इतने साल, मेरे समझ में उसकी एक लाइन अभी तक नहीं आई। क्या नाचता रहा इतने साल, आज तक समझ में नहीं आया कि वो नाच रहा था या सर्कस की कलाबाजियां दिखा रहा था। एक टांग इधर फेंकना, दूसरी टांग उधर फेंकना, भोने तरीके से कमर को मटकाना, शरीर के अंगों को बिल्कुल भोने तरीके से प्रस्तुत करना, ये कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है? हमारे पास कोई कमी नहीं है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, बीसियों किस्म के शास्त्रीय नृत्य हैं, बीसियों किस्म के हमारे शास्त्रीय गान हैं, और सैकड़ों हजारों किस्म के हमारे वाद्य हैं। कितने अच्छे सुरीले वाद्य हैं, बांसुरी हमारे पास है, सितार हमारे पास है, सरोद हमारे पास है, तबला हमारे पास है, हारमोनियम हमारे पास है, और विदेशियों के पास एक ही है, वो ब्रास बैंड जो बजता है बाजारों में और बरातों के आगे। आपने देखा है वो लंबा सा भोंगा सा, वो गोल गोल रहता है ना, जिसको बजाने में पूरे फेफड़े निकल आते हैं उसके, वो ये ब्रास बैंड अंग्रेजों का है, ये अपना नहीं है। और जो बजे तो कान फोड़े और दूसरों का दिमाग खराब करे, बजाने वाले का तो उससे ज्यादा दिमाग खराब हो। मेरी एक बहुत विनती है आपसे, ये मेरे हृदय की बात है, कि भारत स्वाभिमान के किसी भी कार्यकर्ता भाई बहन के घर में बेटे बेटी की शादी हो या आपकी अपनी खुद की शादी हो, तो कृपया करके ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि ये अंग्रेजों की परंपरा है ब्रास बैंड की। अंग्रेजों की फौज जब दुश्मन पे हमला करने जाती थी तो आगे आगे ये ब्रास बैंड बजाते हुए चलता था। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए बड़े पवित्र और आध्यात्मिक काम के लिए जा रहे हैं, और उसमें ये ब्रास बैंड आप बजाएं तो लगता यही है कि आप भी अंग्रेजों की तरह से हमला करने जा रहे हैं उस पे। तो आपसे इसके लिए माफी चाहता हूं। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, होने वाली है, तो ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत बजवाना। आप बोलेंगे फिर क्या बजवाएं, आपको अगर बजवानी है तो शहनाई बजवाना। शहनाई भारतीय वाद्य है, और जब बजता है तो कानों में ऐसा रस घोलता है कि दिल करता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते जाओ। बांसुरी बजवाना, शहनाई बजवाना, सितार बजवाना, सरोद बजवाना, और कुछ बजवा लेना, ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल नहीं। और अगर कुछ ना मिले तो बिना कुछ बजाए ही ले आना। तो व्यक्तिगत जीवन से ये अंग्रेजों की गुलामियों को हम जरा छोड़ें। अब एक बहुत गंभीर विषय कि हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने की एक गुलामी और चली आ रही है, और वो गुलामी है कि जो जो अंग्रेज अधिकारियों ने देश को लूटा, बर्बाद किया, जिन जिन ने अत्याचार इस देश पर सबसे ज्यादा किए, उन अंग्रेजों के नाम पर इस देश में नगर बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर मोहल्ले बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर सड़कें बनी हुई हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर अस्पताल बने हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर भवन हैं, इमारतें हैं। बहुत शर्म आती है मुझे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नाम लेकर। उत्तराखंड में एक छोटा सा नगर है, उसका नाम है लेंसडाउन। ये लेंसडाउन नगर पौड़ी जिले में आता है। पौड़ी एक जिला है उत्तराखंड का, उसमें लेंसडाउन नाम का एक बहुत छोटा सा नगर है। लेंसडाउन नाम का एक अंग्रेज हुआ इस देश में, और 1894 की बात है, वो इस देश का गवर्नर जनरल होता था।
बाद में उसको वॉयसराय की भी पदवी दी गई। ये 1894 में जो लेंसडाउन नाम का अंग्रेज गवर्नर जनरल था, क्या किया है इसने वो आप जान लो तो शर्म आएगी आपको कि ये लेंसडाउन नाम हमारे देश में अभी भी चल रहा है। हुआ ये था कि भारत देश में गो हत्या निषेध के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था सन 1870 में, और इस आंदोलन का इतिहास अंग्रेजों ने दबा के रखा अभी तक। अभी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन का इतिहास दबा के रखा, और हमारे इतिहासकारों ने भी इस बात पर ज्यादा शोध नहीं किया। बहुत गर्व से, बहुत गौरव से मुझे ये कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के लोगों ने की थी, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने की थी। आप जानते हैं परम पूजनीय महर्षि दयानंद की शिक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर बहुत सारे युवक आजादी के आंदोलन में कूदे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद से ही प्रभावित होकर बहुत सारे युवक गोरक्षा आंदोलन में और गोहत्या निषेध के आंदोलन में 1870 में कूदे थे। सबसे पहले ये आंदोलन जींद से शुरू हुआ था। जींद एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया। 1894 तक आते आते 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता इस गोरक्षा आंदोलन में शामिल हो गए। इन 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गांव गांव के किसानों को समझाना शुरू किया कि अंग्रेज तो गाय काटते हैं, हम तो गाय पालते हैं, हम गाय बेचेंगे नहीं अंग्रेजों को, गाय देंगे नहीं अंग्रेजों को, तो अंग्रेज काटेंगे कैसे। इस तरह से यह आंदोलन बढ़ा। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। जब जगह जगह कत्लखानों को गाय मिलना बंद हो गई तो गाय का मांस खाना अंग्रेजों को तो बहुत आवश्यक था, बिना गाय का मांस खाए वो एक दिन भी रह नहीं सकते थे, तो अंग्रेजी सेना में विद्रोह की स्थिति आ गई और अंग्रेजी सैनिकों ने कहा कि गाय का मांस नहीं मिलेगा तो हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। अब अंग्रेजी सरकार के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये गोरक्षा आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता गाय मिलने नहीं दे रहे थे कटने को, और अंग्रेजी सैनिक गाय का मांस ना मिले तो बगावत करने को तैयार। तो अंग्रेजों की महारानी ने एक हस्तक्षेप किया, विक्टोरिया ने। विक्टोरिया ने लेंसडाउन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा। लेंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल था। 1894 के आसपास वो पत्र इसके पास आया और उस विक्टोरिया ने उस पत्र में लिखा कि ये जो गाय भारत में कटती है ये तो हमारे लिए ही कटती है, ये बात तो सही है, क्योंकि भारतवासी तो गाय का मांस खाना पसंद करते नहीं है, आप इस बात पर ध्यान देना। विक्टोरिया खुद लिख रही है इस बात को, और वो कहती है कि भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे और हिंदुओं ने गाय के मांस को खाना कभी स्वीकार किया नहीं, इसलिए भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते। लेंसडाउन को वो कह रही है तुम ऐसा करो कि भारत के जो कत्ल खाने अंग्रेजों के लिए चल रहे हैं और मांस अंग्रेजों के लिए पैदा हो रहा है, इन कत्ल खानों में गाय का कत्ल करने के लिए मुसलमानों की भर्ती करो। इस पे ध्यान दीजिएगा वाक्य पे, वो कहती है मुसलमानों की भर्ती करो, इसका माने गाय काटने का काम मुसलमान नहीं, उन कत्ल खानों में अंग्रेज ही करते रहे होंगे, तो अंग्रेजों को हटाकर मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को यह बताओ भारत में कि तुम्हारी गाय मुसलमान काट रहे हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गोरक्षा के आंदोलन में लड़ रहे हैं ये आपस में लड़ने लगेंगे और हमारा रास्ता खुल जाएगा और हमारी नीति डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लेंसडाउन को। लेंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयार ही नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ढूंढो कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर, फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे, 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लेंसडाउन को आदेश
लेकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है। आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है। मैं अपील करना चाहता हूं लैंसडाउन की नगर पालिका से, लैंसडाउन की नगर परिषद से, मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लैंसडाउन नाम के कलंक को, इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है। इसी तरह मुझे और एक बात कहनी है। एक बहुत खराब अंग्रेज जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, डलहौजी, जिसने इस देश के किसानों की जमीनें हड़पी, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जिसने पूरी तरह से भूमिहीन बनाया, इस देश की रियासतें हड़पी। आपको मालूम है डलहौजी वो सबसे खतरनाक लुटेरा था जो भारत के कोहिनूर हीरे को लूट कर लंदन ले गया। यही डलहौजी है जिसने कोहिनूर हीरा लूटा है इस देश का। एक तरफ किसानों को बर्बाद किया, दूसरी तरफ कोहिनूर हीरा लूटा। उस डलहौजी के नाम पर इस भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पूरा एक शहर बसा हुआ है और उसका नाम ही डलहौजी है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है। जिस डलहौजी का नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, सपने में भी उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको प्रत्यक्ष में नाम लेके बुलाना पड़ता। इसी तरह से एक और नगर है, उसका नाम है मैकलॉडगंज। मैकलॉडगंज धर्मशाला जिले में है, वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैकलॉड नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, सार्जेंट था, सेना में था, बहुत अत्याचार उसने किए हैं, उसके नाम पर नगर बसा हुआ है मैकलॉडगंज, इसका भी नाम हमें बदलना है। इसी तरह और एक नगर हमारे देश में है, उसका नाम है वास्को डिगामा, वो गोवा में है। ये वास्को डिगामा सबसे पहला पुर्तगाली था जो भारत में घुसा, 20 मई 1498 को भारत में आया, कालीकट में उतरा और झामोरिन राजा की हत्या करके पूरे नगर को लूटा और जहाज भर भर के सोने चांदी के सिक्के लेकर गया। और इसी वास्को डिगामा ने पुर्तगाली राज्य की नींव डाली और 450 साल गोवा और केरल को गुलाम बना के रखा। इस वास्को डिगामा का भी नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे। हमारे देश में बड़े बड़े कुछ शहर हैं, शिमला है, मसूरी है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, ऐसे 20 शहर हैं जहां पर आप जाएंगे तो अक्सर आपको कुछ नाम मिलेंगे, जैसे लॉरेंस रोड, मेयो रोड, एल्गिन रोड, एल्फिंस्टन रोड, या तो लिटन रोड, या तो कर्जन रोड, या तो कर्जन बिल्डिंग, या तो रिपन बिल्डिंग। ये अंग्रेजों के नाम सुन सुन के कान पक गए हैं। हमारे बहुत सारे शहरों में, मुख्य रूप से दिल्ली में, बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं अंग्रेजों के नाम पर। लॉरेंस रोड है, मिंटो रोड है, मिंटो ब्रिज है, एल्गिन ब्रिज है, एल्गिन रोड है, केनिंग रोड है, कर्जन रोड है, रिपन रोड है, दिल्ली भरी पड़ी है, अंग्रेजों के नाम की सड़कें वहां पर हैं। तो जिन जिन अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, कर्जन तो बहुत बड़ा अत्याचारी अंग्रेज था, उसके नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं। कर्जन ने ही बंगाल को बांटा था हिंदू और मुसलमान के आधार पर, आधा मुसलमान का आधा हिंदू का, और उसी दिन से भारत पाकिस्तान की नींव डाल दी उस आदमी ने। मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाया जिस कर्जन ने, देश का बंटवारा किया संप्रदाय के आधार पर, बंगाल का बंटवारा किया, उस कर्जन के नाम पर सड़कें हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दिल्ली को जिस लॉरेंस ने लूटा हो, उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में रोड हो, वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? रिपन जिसने पूरे देश में अखबारों को दबाने के लिए कानून बनाया, इंडियन प्रेस एक्ट, भारत में जो अखबार छपा करते थे वो अंग्रेजी सरकार की थोड़ी भी बुराई ना करें इसके लिए कानून बना दिया, इंडियन प्रेस एक्ट, वो रिपन ने किया, उस रिपन के नाम को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो मुझे आप सभी से निवेदन करना है कि जहां जहां अंग्रेजों की नाम की सड़कें हैं, अंग्रेजों के नाम के भवन हैं, अंग्रेजों के नाम के अस्पताल हैं, उन सभी के नाम हमें बदलने हैं। और हमारे पास नामों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास देश में
कोई भी ऐसे अच्छे नामों की कमी नहीं है। हम संस्कृत में ढूंढेंगे एक तो हजार नाम मिलेंगे, हिंदी में ढूंढेंगे तो हजारों नाम मिलेंगे। क्रांतिकारियों के नाम पर रखना चाहें, ऋषि महर्षि के नाम पर रखना चाहें, ये सब हमें करना पड़ेगा। पूरी आजादी लानी है, पूरी स्वतंत्रता लानी है, पूरी स्वाधीनता लानी है, तो अंग्रेजों के नाम को जड़मूल से इस देश में से हटाना पड़ेगा। एक और निवेदन मुझे करना है, अंग्रेजों की हमारे देश में कई जगह मूर्तियां स्थापित हैं, मुझे बहुत क्रोध आता है और खून खौलता है मेरा। आप कभी मुंबई जाइए, मुंबई रेलवे स्टेशन है एक, उसका नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम था मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, वो नाम बदल के अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो हो गया, लेकिन उस स्टेशन के बाहर निकलो तो लाइन की लाइन अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां हैं जिन्होंने मुंबई पे सबसे ज्यादा अत्याचार किए। एक अंग्रेज था जिसका नाम था एल्फिंस्टन, मुंबई की माताओं बहन बेटियों में सबसे ज्यादा बलात्कार किए हैं और करवाए हैं एल्फिंस्टन ने, लूटा है पूरी बंबई को, लूट लूट के सारा धन लंदन ले गया। उस एल्फिंस्टन की मूर्ति लगी हुई है। एल्फिंस्टन के जो सहयोगी अधिकारी जिन्होंने मुंबई पर बलात्कार अत्याचार किए और लूट मार की, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। इन मूर्तियों को भी आज नहीं तो कल हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश को हम कचरा घर नहीं बनाना चाहते और हम ये गुलामी का केंद्र नहीं रहने देना चाहते। तो भारत स्वाभिमान के अभियान में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम हमको करने हैं, उद्देश्य अपना एक ही है और बिल्कुल स्पष्ट है कि अंग्रेजों की गुलामी को जो हमारे घुसी हुई है व्यवस्था में, नीतियों में, शासन में, हमारे अपने आचार व्यवहार में, दैनिक जीवन में, इसको जड़ मूल से हटाना है। अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमको शक्ति दे, हमको साहस दे, हम में वीरता आए, हम में तेजस्विता आए और हम हमारे लक्ष्य की तरफ बिना रुके और बिना एक मिनट हिचके हुए बढ़ते ही जाएं और लक्ष्य पाकर ही हम हमारे को सांस को थामे या हमारे को आराम और विश्राम की स्थिति में लाएं। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जीवन का आधार। भ्रष्टतंत्र, लूटतंत्र तथा विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए स्वदेशी विचार, सिद्धांत एवं संस्कृति को संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित करने के लिए देश भर में वर्ष 2012 में हमारे 1,00,000 स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से एक मजबूत आध्यात्मिक स्वदेशी तंत्र की स्थापना की योजना है। 3,000 से 5,000 की आबादी वाले बड़े गांव व छोटे कस्बों में जो भी व्यक्ति स्वदेशी विक्रय केंद्र खोलना चाहते हैं तथा जो युवक स्वदेशी प्रचारक के रूप में सेवा करना चाहते हैं, वो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फोन 01334-240-008-248-999-246-737-244-107-24-1088, फैक्स 01334-244-805 और 240-664, वेब www.patanjaliayur.org, ईमेल marketing@patanjaliayurveda.org और career@patanjaliayurved.org।